जितने भाई जुड़े हैं सबको दिल से प्रणाम है मेरा। और रही बात RCA म्यूजिक का और मेरा एग्रीमेंट के, तो पहली बात बता दूं कि NOC तो बहुत दूर की बात है, मेरा एग्रीमेंट ही खत्म हो चुका है। अब उस पेपर का कोई मतलब ही नहीं है, तो NOC रहे या ना रहे उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। फिर भी वो हाथ धो के पड़े हुए हैं मेरे पीछे कि तुमको मैं उठाया हूं तो मैं ही तुमको यहां से बर्बाद करके घर पे भेजूंगा। जैसे तुम आया था उसे तुम चल भेज देंगे जाके घर पे अपने रहना, ऐसा नहीं होता है। और उनको जो लग रहा है कि हमको करियर बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उनको कितना कुछ कर लेंगे तो मेरा वो कुछ होने वाला नहीं है जब तक पब्लिक का सपोर्ट है मेरा और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं जिनको हम बड़ी सम्मान करते थे और सम्मान करते हैं, हमारे बड़े भाई मिठू भाई हैं, आज मेरे खिलाफ ही उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। वो अपने आप को अंदर झांक कर देखिए ना कि आप पहले क्या थे, मिठू मार्शल थे, आपको बिहार में या कहीं भी आपका कितना सुपर डुपर वेब से लेकर हर कंपनी से गाना जाता था कि हार्मामीटर से कितना गाना सुपर डुपर हिट गया। आज आपका लेवल ये नहीं है, जैसे कि नए नए कलाकार अभी देख रहे हैं 2 महीने 4 महीना नहीं बोझ रहा है, फिर भी वो उनका उन लोगों का वीडियो, उन लोगों का गायकी, उन लोगों का ऑडियो किस तरह से बन रहा है, कितना बढ़िया कितना बेहतरीन बन रहा है। आज वो यहाँ नहीं, कहीं कुछ करने पर लगा हुआ है, कुछ सोच रहा है आगे जिंदगी के बारे में। और ये पहले के सॉरी फोन आ गया था तो मिठू भाई के इतना गाना हिट हुआ, बताइए इतना हिट पर ही जितना गाना दिए हैं, फिर भी उनके लिए RCM क्या कर दिया, बजवाया तो नाम तो दिया लेकिन नाम भी खा कर उनको छोड़ दिया। इतना समझदारी उनको नहीं है कि साला मुझे कहाँ ले आकर, कहाँ थे हम, कहाँ उठा कर फोटक कर छोड़ कर चला गया। और फिर भी उतना हो जाने के बाद भी वो चाह रहे हैं कि शायद उनको, हमको लग रहा है कि उनको अच्छा नहीं लग रहा कि हम आगे बढ़ जाए, कि कोई हमसे अलावा कोई आगे बढ़े मेरे अलावा भी, ऐसा नहीं है। आप खुद आप सोचिए, इतना बढ़िया आप बच रहे थे, इतना मार्केट में नाम था, बवाल मचा रहे थे, आज 5,000 रुपये में गाना कोई आपका नहीं खरीद रहा है ऑडियो वीडियो। आप अपना लेवल नहीं देख रहे हैं, लेवल इतना सुंदर इतना बेहतरीन बना के रखे थे, इतना नाम था आपका, लेकिन लोग आजकल के कलाकार को 10,000 रुपये दे दे रहा है ऑडियो वीडियो, यही कह के दे दीजिएगा हमको, व्यू जाए या ना जाए उससे उसको मतलब नहीं है कंपनी वालों, लेकिन आपका तो वो भी नहीं दे रहा है, आप नहीं समझ रहे हैं, आप मेरे खिलाफ भी बोल रहे हैं तो धनंजय गलत है भाई, हम गलत है मान लेते हैं, हम गलत है, हमारी पेपर गलत है, वो NOC भी गलत है, मेरा एग्रीमेंट का पेपर भी गलत है। और जो मैं 3 साल से सापा गा रहे हैं लगातार, पूरा पब्लिक जानता है, वो कैसे गलत हो जाएगा। ये सब तो पेपर ऊपर साइन हुआ कि नहीं हुआ वो अलग बात है, चलिए बात की बात है, पब्लिक के बीच की नहीं है। और जो हम 3 साल से गायकी कर रहे हैं वो तो साफ ऊपर पब्लिक बीच में है, हम कितना ज्यादा 3 साल से लगातार RCM के लिए गा रहा है तो लोग कितना किसको दबाएगा, घर आप ही लोग विचार करेंगे। और मैं क्या कहूँ, और चलिए हम कहीं और कंपनी के लिए अभी नहीं गए, उनका कहना है कि 6 महीना मेरा एग्रीमेंट है नहीं भैया, सीधी सी बात है, 3 साल में 2,00,000 रुपया दिया था पार्टी, बताइए झाड़ू पोछा मारने वाला को उतना पैसा नहीं मिलता है, उससे बेहतर उससे ज़्यादा मिलता है, 15-20,000 महीने मिल जाता है, और जोड़िएगा तो 7,000-8,000 महीने का हमको पड़ेगा। फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला, और उस पेपर 2,00,000 रुपया जो दिया था हमको पेपर पर बनवाया पार्टी कि भाई तुम हमसे पैसा लिए हो 2,00,000 रुपया, तब तुम दोगे ना हमको साइन करके यहाँ पे, तुम उसका प्रूफ दोगे ना पैसा लिए, हम हाँ दे देंगे भाई, पैसा लिया तो लिए हैं, अब उनको हम उनका पैसा वैल्यू है, मतलब ये कोई बात हुआ है। आप ये नहीं ना कि आप अगर एग्रीमेंट किया है तो मेरा जिंदगी लिखा लिए हैं भाई, आपका जितना दिन का कॉन्ट्रैक्ट है मैंने खत्म कर दिया, 3 साल का एग्रीमेंट था, 2018 में मैंने एग्रीमेंट किया था, सॉरी नेटवर्क का प्रॉब्लम है थोड़ा, तो चलिए हम मानते हैं कि हम अदर कंपनी के लिए नहीं गा सकते, उनका कहना है भाई, तो हम अपने चैनल के लिए तो गा सकते हैं ना, ये थोड़ा ये है कि अगर हम कमाने जा रहे हैं तो आपको कमा के लिए खिला देंगे, हम भूखे सो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। मैं अपने लिए तो कुछ कर सकता हूँ, मैं अपने के लिए कर सकता भाई, किसी को नहीं दूंगा तो, लेकिन उसमें भी आप स्ट्राइक मार रहे हैं भाई, अगर स्ट्राइक मारना है, अगर स्ट्राइक की बात है तो चलिए स्ट्राइक खेलते हैं, आप भी मारिए हम भी मारेंगे, 500 कंपनी को गाना देंगे
500 कंपनी हम फ्री में गाना देंगे, खाली ऑडियो वीडियो करके देंगे हमको। कंपनी वालों को बोल देंगे कि हमको ऑडियो बिठा दीजिए, चढ़ाइए जाइए, 500 कंपनी को गाना देंगे। 500 गोरा के स्ट्राइक मारिए, किसे मारते हैं? अगर 500 गोरा एक उनको गिन के मार दिया, आरसीएम था भूतकाल में चल जाएगा, प्रेजेंट में नहीं रहेगा। जिस तरह से धनंजय निकला साथ साथ वो भी खत्म हो गया वहां से। आप लोग तो खुद भगवान है, जनता जनार्दन है, आप लोग खुद डिसाइड कीजिए क्या किया जाए। हम अब कुछ बोल नहीं सकते, हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं उनके। अब लेकर दो चार को चैनल बैठे हुए हैं, चैनल क्या बैठे हुए हैं, 7 लाख सब्सक्राइब था, तो हम लोग जैसा गायकी कक के 8-9 मिलियन 500 चैनल का बना दिए हम लोग। आज तो उनको खुश होना चाहिए कि धनंजय जा रहा है, उसका एग्रीमेंट खत्म हो गया, तो खुशी खुशी उसको भेजना चाहिए, कुछ विदाई करना चाहिए कि मेरे कंपनी के कलाकार कहीं जा रहा है तो आगे बढ़े। लेकिन नहीं, उनका वो सिद्धांत नहीं है। यहाँ गा के यहाँ कर दिया, अब यहाँ से कहीं दूसरे का ना उठाए, ना खुद उठे, यहाँ से उजाए तो बर्बाद हो जाए, ऐसा नहीं है। पूछनीय राकेश कुमार सर, आरसीएम म्यूजिक का मालिक, अगर आप इस लाइव को देख रहे होंगे या देखेंगे, तो आपसे दोनों हाथ जोड़कर मेरा विनती है कि आप इस तरह से मुझे टॉर्चर ना करें कि मैं मजबूर हो जाऊं और गलत कदम उठाने के लिए मैं कुछ अलग अलग करने लगूं। ताकि अब हम नहीं चाहते कि देखिए आपसे रिश्ता बिगाड़े चाहे कुछ भी करे, लेकिन आप मेरे क्या है कि जो आप सारा अपना काम धंधा छोड़ के आप मेरे हाथों में तो पीछे पड़े होंगे। आप कंपनी वालों लोग को फोन करके बोल रहे हैं, अरे क्या धनंजय को गवाएंगे, धनंजय जैसे 10 को लगा दे देते गवाइए ना। अगर धनंजय जैसे 10 को लगा किसी कंपनी को दे रहे हैं, तो आप अकेले धनंजय धरने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? ये 10 को लेकर आप कमाइए ना, खाइए पियास कीजिए, एंजॉय कीजिए, है कि नहीं? जब मेरे बराबरी के 10 को लेकर आप दे रहे हैं कंपनी वालों को, तो आप उसको क्यों नहीं ले रहे हैं कि आप मेरे पीछे पड़ेंगे? फिलहाल में मेरा एक चैनल बना था, कल ही रात को बनाए थे हम लोग, धनंजय धरकन ऑफिशियल, 0 सब्सक्राइब था चैनल का, और उसमें गाना डाले हम धड़कन का दिल, और गाना बहुत ही अच्छा रिस्पांस देना चालू कर दिया। 0 सब्सक्राइब, समझिए कि 3 से 4 घंटा में ऑडियो का 4 लाख 3 लाख 3.5 लाख व्यू चला गया था 0 सब्सक्राइब पे। 4 घंटे के अंदर में तब तक वो ब्लॉक मार दिया, स्ट्राइक मार दिया राकेश कुमार। अब बताइए, उनका तो खुद चैनल बैठले हुए है, हम लोग मेरा भी जिंदगी बैठाने के चक्कर पर। वो उनका कहना है कि भाई लॉकडाउन है, लॉकडाउन में हम लोग का कुछ हुआ नहीं है, ना आप सही से गए हो, ना मेरा कंपनी चल रहा है। भाई आपका कंपनी चले या ना चले, मुझे उससे क्या मतलब है? कितना कितना गाना गाते थे भी बताएं। आपका कंपनी नहीं चलेगा तो हम आपके कंपनी का ठेका लेकर बैठे हुए हैं क्या? बढ़ाएंगे आपके कंपनी का, उठाएंगे, एग्रीमेंट खत्म होगा तभी हम आपके कंपनी में लॉस जाएगा कि नहीं चलेगा तभी हम गाएंगे? अरे ऐसा नहीं है, मेरा कॉन्टेक्ट है आपका, आप कमाइए या बर्बाद होइए, उससे मुझे मतलब नहीं है। जब तक मेरा कॉन्टेक्ट था मैंने गाया, अब नहीं है तो नहीं गाएंगे, बात खत्म। चलो ठीक है, चलिए।